Hi, I'm Seerat Kapoor. You're watching me on PNTV. सुभान ने इबादत की सच्चाई किसी को ना बता दे इसीलिए क्रिएट किया है, क्योंकि वो बस बताने ही वाला होता है मेरे बहुत बार रोकने के बाद भी, तो मुझे ऐसे बेहोशी का नाटक करना पड़ता है जिससे सबका फोकस मुझ पे आ जाए और फिर सुभान की बात पूरी ना हो सके। मुझे तो डर है कि भाई को कोई ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा दियो, देखो कोई साइड इफेक्ट ना हो। इंफॉर्मेशन मैंने ने जो इंजेक्शन लिया है उनका ब्लड प्रेशर डाउन करने के लिए है, इनसे ने कोई साइड इफेक्ट नहीं। और मैं ऑटोमेटिक डॉक्टर हो गई तो क्या हुआ? नहीं, बेसिक थॉरेक्स में पहले साल में मैं बात तो छोड़ देता हूं। थैंक यू वेरी मच, पर मैं चल जा। आप अपने भाई का ध्यान रखिए, उनको साइड इफेक्ट ना हो। अरे आपने फिल्में नहीं देखी क्या? जब भी कोई डॉक्टर घर में पेशेंट को देखने आता है तो घर वाला कोई ना कोई तो रुस्वा करने बाहर तक जाता ही है ना। अल्लाह, अरे बुद्धू, रुस्वा नहीं, रुखसत। रुखसत, जी जी, रुखसत, रुखसत करने। कितनी प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत। अरे उसका नाम तो पूछा ही बोले। हाँ, बहुत सारा ड्रामा चल रहा है हॉस्पिटल में, क्योंकि सुभान हॉस्पिटल में है, वो किडनैप हो गया था और वो बहुत बुरे हालात में हॉस्पिटल में लाया गया है। अब उसकी हालत, उसे होश आ गया है तो हम लोग को थोड़ी तसल्ली है कि बेटर है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे अभी उसे पैनिक अटैक आया है तो बहुत बुरी हालत में वो वापस से आ गया था, और प्लस मेरी कुछ चीज़ें जो मैं उसे बता चुकी हूँ बड़ी बड़ी, फिर इबादत कुछ बता देती है, तो सब कुछ बहुत उसके लिए ज़्यादा हो रहा है अभी प्रेशर। अच्छा,